बात करिए। जिधर अम्मा जी मुर्दाबाद, जिधर अम्मा जी मुर्दाबाद, जिधर अम्मा जी होश में आओ, जिधर अम्मा जी होश में आओ, सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हटिया हटिया भाई, हटिया हटिया, नहीं होगा, पेट्रोल निकालना होगा, धर ले लो, सूखा भाई ना, धर लिया बस, ऐसे हटिए ना, हटिए, हटिए हटिए हटिए, आप हटिए, धोती मत खोलिए, ये खोल रहा है, धोती खोलिए मत, हट जाइए हट जाइए, अरे नीचे जलाइए नीचे से, आओ इधर आओ, इधर होते और इधर होते, चले नारा ना, हाथ उठाइए हाथ उठाइए, जितना बाजी मुर्दाबाद, टिप्पणी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपनों पर टिप्पणी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जितना मन जी मुर्दाबाद, सत्यनारायण, सत्यनारायण भगवान के बारे में पूछ रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान कहाँ से आ गए, और जो आपत्ति भाव जो सब यूज कर रहे हैं तो ये सब नहीं चलेगा। एक बार वो गाली दे रहे हैं मंच पे, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हम गाली नहीं दिए हैं। अगर यही कोई अन्य वर्ग के अन्य समाज के लोग अगर गाली देते उस दलित समाज को तो आज के डेट में अभी वो जेल रहते हैं। तो इस तरह का जो नियम कानून है सबसे पहले उसको खत्म करें, और कोई भी हो ठीक ना भगवान पे कोई भी मतलब सवाल नहीं उस पर उठाए, भगवान के बारे में किसी भी धर्म के बारे में ना बोले, उचित नहीं है। क्या नाम, अगर ज्यादा परेशानी है तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। इस तरह का बयान बयानबाजी करके और माफी कर माफी मांग के नहीं चलेगा, क्योंकि वो जितना मान लीजिए जिस दलित समाज से आते हैं, यही अगर कोई अन्य वर्ग का अन्य समाज का लोग उनको गाली देता और माफी मांगता तो आज की डेट में वो जेल में रहता। तो इस तरह से हम लोग उनका माफ नहीं करने वाले हैं, और उनको कड़ी से कड़ी सजा उनको होनी चाहिए। याद बताइए, मेरा नाम विशाल सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता पटना। नारायण भगवान के नाम पर और हम लोग का जो पूजनीय है ब्राह्मण समाज के लोग उनके खिलाफ अनर्गल अशोभनीय टिप्पणी के अमर्यादित बात बोलते हैं, जिसका कहीं से कोई उचित स्थान नहीं होता है। इस तरह से उस समाज को तोड़ना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं, ये सब उनका, और खास करके बोलते हैं इसलिए मीडिया के लाइमलाइट में रहे, और उनका कोई माफी मांग लेते हैं, जैसे माफी तो मांगते हैं, फिर वहाँ जिसे माफी नहीं मांगे तो उनका बेटा मंत्री है तो कहाँ से चुराएगा, मंत्री नहीं रहेगा तो फिर कैसे उन्होंने ठीका बेचेगा, चुराएगा, तो इसलिए वो माफी मांगते हैं। क्या कि सत्ता भी चाहिए और भाजपा को भी चाहिए कि किसी तरह से गठजोड़ बना के सत्ता में रहे, दसवारों को मंत्री रहे, वो सब अपना खूब कमाए धमाए, पार्टी खूब बढ़िया से चले, इसे पार्टी के खजाना बताइए, तो कोई हिंदू का पार्टी नहीं है। नाम बताइए अपना, सुमित सरकार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।